दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविक एजेंसियों को ये संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं कि क्या करोल बाग और झंडेवालान के बीच करीब डेढ़ दशक पुरानी हनुमान जी की मूर्ति को एयरलिफ्ट कराया जा सकता है या फिर नहीं। हाई कोर्ट करोल बाग में सड़कों पर लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने MCD पुलिस और सिविक एजेंसियों से कहा है कि हनुमान जी की मूर्ति के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए क्या उसे एयरलिफ्ट किया जा सकता है या फिर नहीं, इस पर हमें रिपोर्ट दें। साथ ही इस बारे में LG के साथ भी मीटिंग करें। हाई कोर्ट ने अपने विचार रखते हुए कहा कि अमेरिका में भी कई जगहों पर कई गगनचुंबी इमारतों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिविक एजेंसियों से नाराज होते हुए पूछा है कि सिविक एजेंसी दिल्ली की कोई एक जगह बताएं जहां पर अतिक्रमण ना हुआ हो और नियमों का पालन हुआ हो। दरअसल एजेंसियां कोई काम नहीं करती और लोगों में ये भ्रम पैदा हो गया है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, भले ही वो कितना भी अतिक्रमण कर ले। हाई कोर्ट ने कहा कि अब तक आप लोगों को कई मौके दिए गए लेकिन आपने कुछ नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट करोलबाग इलाके से अतिक्रमण हटाने के लिए लगाई गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। 15 नवंबर को हाई कोर्ट ने सिविक एजेंसियों को अतिक्रमण हटाने और पुलिस बल मुहैया कराने के आदेश दिए थे। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। भागलपुर में एक छात्रा के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पीड़िता आरोपी के भतीजी की रूम पार्टनर है, इसीलिए दोनों की दोस्ती हो गयी थी। आरोपी पहले ही पीड़िता का भरोसा जीत चुका था। अभियुक्त पीड़िता को परीक्षा दिलवाने भी ले जाता था, लेकिन इस भरोसे का बेजा इस्तेमाल करते हुए अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर पीड़िता का रेप किया। भागलपुर के SP मनोज कुमार ने घटना के बारे में जानकारी दी। पीड़िता और आरोपी दोनों मित्र रहे हैं। पीड़िता आरोपी के भतीजी की रूम पार्टनर, इसी क्रम में दोनों में दोस्ती हुई है और पीड़िता को अभियुक्त अक्सर परीक्षा दिलाने के लिए मोटरसाइकिल से ले जाता था जिले में और जिले से बाहर भी। पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि गैंगरेप का आरोपी मनीष JDU के बड़े नेता का भांजा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस गैंगरेप के आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। पिछले साल की गई नोटबंदी के बाद से ही सरकार की लगातार कोशिश है कि देश भर में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा दिया जाए ताकि भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगाई जा सके, और इसी उद्देश्य से अब केंद्र सरकार बैंकों में मिलने वाली चेक की सुविधा को भी खत्म कर सकती है। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ का दावा है कि केंद्र सरकार जल्द चेकबुक की व्यवस्था को खत्म करने का फरमान सुना सकती है। CAIT के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल का मानना है कि सरकार क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा दे रही है। सरकार जल्द चेकबुक की सुविधा को भी खत्म करने की पहल कर सकती है। प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक नोटबंदी से पहले तक केंद्र सरकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए नई करेंसी की छपाई और 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम करेंसी की सुरक्षा पर खर्च करती थी। इस खर्च को देखते हुए ही केंद्र सरकार देश की इकोनॉमी को कैशलेस में तब्दील करना चाहती है। नोटबंदी के बाद नकद लेन देन में कमी आई और चेकबुक का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ा है। सरकार ने इस वित्त वर्ष के अंत तक 2.5 खरब डिजिटल ट्रांजेक्शन का टारगेट रखा है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए सरकार चेकबुक पर बहुत जल्द बैन लगाने की पहल कर सकती है।